एक इंसान जो 15 घंटों तक सार्कों के बीच समुद्र में फंसा रहा, आखिर क्या हुआ उसके साथ, चलिए जानते हैं। दरअसल वाल्टर नाम का एक 37 वर्षीय पायलट बहामास से मायामी जाने के लिए अपने प्लेन से उड़ान भरते हैं। वाल्टर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, वह आधे रास्ते में ही थे तभी मौसम अचानक खराब हो जाता है। अब वाल्टर के पास वापिस जाने से कोई चारा नहीं था, लेकिन इस तूफान में वापिस जाना नामुमकिन था। तभी वाल्टर ने कोस्ट गार्ड टीम से मदद मांगा और उन्होंने पास के एक आइलैंड पर लैंड करने की अनुमति दी, लेकिन तभी वाल्टर की नजर फ्यूल मीटर में पड़ी। प्लेन में फ्यूल आधे से भी कम था, आइलैंड जाने के लिए इतना काफी नहीं था। तभी अचानक प्लेन का राइट इंजन खराब हो जाता है, प्लेन गिरने लगा और समुद्र से टकराया, जिससे वाल्टर के सिर से खून निकलना चालू हो गया। वाल्टर तुरंत ही अपने लाइफ जैकेट पहनकर प्लेन के विंग पर चढ़ गए ताकि रेसकोर्स को सिग्नल दे सके, लेकिन टॉर्च गीली होने की वजह से वे सिग्नल नहीं दे सके। लगातार एक घंटे तक पानी में रहने के बाद उनको एहसास हुआ कि उनके पास सार्कों का एक बड़ा झुंड है। सार्क किसी भी पल उनको शिकार बना सकती थी, एक तरफ सार्कों का झुंड और एक तरफ बेसारा वाल्टर। 15 घंटे तक सार्कों से बचने के बाद वहाँ एक शिप आती है और वाल्टर सही सलामत बच गए। दोस्तों, इस जाबाज पायलट के लिए एक लाइक तो बनता है।